नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में चावल के दामों में फिलहाल जो है तेजी क्यों है और ये कब तक जारी रह सकती है, यानी कि चावल में तेजी कब तक रहेगी, इसके क्या आसार हैं और चावल की कीमतें बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले दो महीने से जो गैर बासमती चावल है उसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इसकी कीमतों में 15% ये चावल जो है महंगा हुआ है। जून से पहले इसके कम होने के कोई आसार नहीं है फिलहाल, यानी कि जून तक ये तेजी चावल के अंदर जारी रहेगी। और ये हम बात कर रहे हैं जो गैर बासमती चावल है, यहाँ पर बासमती चावल की बात नहीं हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके पीछे दोस्तों दो कारण हो सकते हैं। एक तो इस साल जो है सरकार के अनुसार चावल की खरीद सरकार ने ज़्यादा करी है, इसके कारण जो मार्केट में चावल कम गया है। और दूसरा, इस बार जो देश के अंदर से जो है देश से बाहर चावल गया है, यानी कि हमने जो चावल निर्यात किया है दूसरे देशों में, उससे भी एक प्रकार से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे चावल की कीमतें एक बार बढ़ गई हैं। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि देश में फसल जो है 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 1.2% बढ़कर 12.032 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। ऐसे में कुल खपत और निर्यात के मुकाबले कुल आपूर्ति 7.20 लाख टन ज़्यादा रहने की संभावना है, यानी कि जितना चावल पैदा होगा उतनी हमारी खपत नहीं है, इसलिए ज़्यादा उत्पादन होगा। इससे जून के बाद कीमतों में नरमी आएगी, यानी कि चावल की जो कीमतें हैं वो जून के बाद से कम हो जाएंगी, जब मार्केट के अंदर और ज़्यादा चावल आ जाएगा। दोस्तों, अगले कुछ महीनों तक चावल के भाव घटने की संभावना नहीं है, जून से गिरावट शुरू हो सकती है। हालांकि तेजी के दो बड़े कारण हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सरकार ने इस बार जो है धान की खरीदारी ज़्यादा की है और दूसरा निर्यात इसका बड़ा है। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।